बड़कम्प्रांड से बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहा है इससे पहले ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश ने भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड की है इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है इसे किसके द्वारा दिया जाता है इसे देने के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं एंड अभी तक कितने स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है ऐसे स्टेट्स जो जियोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस फेस कर रहे हैं उन स्टेट्स में डेवलपमेंट को असिस्ट करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देती है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर इंट्रोड्यूस किया गया था एनडीए स्टेटस कैटगल फार्मूला के, के बेसिस पर दिया जाता है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट को 30 परसेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी जब भी किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है तो इन फाइव फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है ये फाइव फैक्टर्स हैं पहला एंड एंड टेरेन सेकंड लो पॉपुलेशन डेंसिटी और साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन तीसरा स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर चौथा इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस पांचवा नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट स्टेट फाइनेंस 1969 में तीन स्टेट से जम्मू कश्मीर असम एंड नागालैंड को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम सिक्किम त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया अब मन में क्यूरियोसिटी उठ रही होगी कि जिन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है पहला को जितना सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है उसका थर्टी परसेंट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स को जाता है सेकेंड सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स में परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है जबकि अदर स्टेट्स में 60 से 80 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स में कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटीज इनकम टैक्स रेट्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में कंसेशन प्रोवाइड करती है फोर्टी फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया की स्पेशल कैटेगरी स्टेटस सिस्टम अब इफेक्टिव नहीं इसलिए बैकवर्ड स्टेट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अदर मेथड्स पर विचार करना चाहिए एंड करंट पोजीशन ये है कि अभी किसी नई स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जाएगा एंड इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ट्वेंटी में किया गया इसी के साथ फोर्टीन फाइनेंस कमीशन ने सजेस्ट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स का थर्टी परसेंट स्टेट को रिटर्न कर देती है अब इसे बढ़ाकर 42 परसेंट कर देना चाहिए यहाँ पर ध्यान रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से डिफरेंट है अगर किसी स्टेट को स्पेशल स्टेटस देना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा जबकि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा दिया जाता है जो की एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है नाउ वी विल टॉक अबाउट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसे नाइनटीन में एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था दैट मीन्स एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेच्यूटरी बॉडी एनडीए डेवलपमेंट इश्यूज पर डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी गाइडेंस के लिए अपेक्स बॉडी का काम करती है प्राइम मिनिस्टर 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 यूनियन कैबिनेट एंड एंड यूटीज के चीफ को कंसिस्ट करती है प्लानिंग कमीशन ईरा में ये फाइव ईयर प्लान एनुअल प्लान एंड स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए काम करती थी बट जब दो में प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस कर उसके बाद ये नीति आयोग के लिए गवर्निंग काउंसिल के रूप में काम करती है नाउ इट सब्स हैज ए प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया आई होप यू की स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो